जैसे ही कदम रखा ना, मेरे साथ में चार लोग और थे, एक ही जगह से हम लोग आए थे उधर ना यहाँ पे, वैसे ही आप सीधा जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते। आने के बाद में पहले आपका मेडिकल होगा, आपका मेडिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया, फिर आपको सिविल आईडी कार्ड, हेल्थ कार्ड मिलता है, वो हेल्थ कार्ड के बाद ही आप किसी भी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। दोस्त यार बनने लगे फिर मेरे, फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होती गई, बहुत अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में। जो भाई जो ओवर टाइम मिल रहा था ना भाई, पूछो मत, मैंने कभी भी लास्ट वन ईयर में 220, 230, 225, 227, 235 ऐसा केडी स्टार्टिंग में उठाया है। अब आप मगर जो फीलिंग थी ना, सोचा था भाई ऐसा होगा वैसा होगा, ये लड़की वो लड़के, और मतलब एकदम चकाचौंध वाली जिंदगी होगी। फिर आके पता चलता है भाई यहाँ पे कानून और सख्त, तो आया भाई 75 केडी लेके आया। 75 केडी में से 70 केडी हम लोग को ऑन द स्पॉट दे दिया और 5 केडी का वहीं से एयरपोर्ट सिम कार्ड दिला दिया। अब उसने बताया नहीं कि कैसे एक्टिवेट करना है। सो हेलो जी गाइस, क्या हालचाल, वेलकम 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 टू माय न्यू व्लॉग। आज पता है क्या हुआ, बस में हम लोग बैठे भाई, सबकी हालत फट के, मतलब सबकी हालत खराब हो रखी थी माशाल्लाह। क्या क्या ही बताए, सीन देखो। हाँ हाँ, अभी क्या ये सीन है कुछ, बट कोई नहीं, ये तो सीन हमेशा हर फ्राइडे होता है। आज फ्राइडे है, आज तो कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस करने मिलेगा, बट छोड़ो, हम तो हर रोज बात करते हैं, आज फ्राइडे है, बिजी होगा। बट मैं आपको ना आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ पता है क्या, जब मैं पहली बार कुवैत में कदम रखा था और जब मैं पहली बार आया था, तो मैं किस तरह से सोच रहा था और क्या एक्सपीरियंस था, कैसा लग रहा था, हाउ आई एम फील, कि मेरे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज के ब्लॉग में इस बारे में बात करेंगे। तो जस्ट अभी आया हूँ, पहले आज फ्राइडे है तो थोड़ा काउंटर बिजी भी है, तो फटाफट से जाता हूँ फ्रेश अप होकर, पहले टीम को मेरी हेल्प करूँगा, फिर उसके बाद में आपकी हेल्प करूँगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, कैसा होता है और कैसा लगता है जब आप पहली बार इंटर करते हो, अपने इंडिया को छोड़कर दूसरे देश में काम करने जाते हो, तो क्या क्वेश्चंस रहते हैं, कितने सारा डाउट रहता है, मतलब बहुत कुछ है भाई, आपको पता चलने वाला है। तो वेट करो, एंड जी हाँ, हम शेयर करेंगे आपके साथ में वो सारी चीज़ें। तो ज़िंदगी की असली मजे तो ये लोग ले रहे, देख रहे हो, रेलगाड़ी चुक चुक, रेलगाड़ी चुक 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 चल रही है इनकी। भाई 3:30 कुछ, आज तो तहलका मचा हुआ यार, पूछो मत, पूरा पसीना पसीना हो रखा, भागते हो, मज़ा आ गया, मतलब बेस्ट ऐसा। मगर एक सीन हुआ है, आपको बाद में बताऊंगा। कभी कभी स्टाफ मील को लेकर और स्टाफ ब्रेक को लेकर क्या चलता है यहाँ पर, उसके बारे में भी बात करेंगे आज। तो अभी बाहर का कुछ सीन ऐसा है, देख रहे हो, अब यहाँ पे स्टाफ खाना खा रहे हैं, तो मैं भी खाना खाने आया, तो मैंने लिया है अरेबिक खरबूज, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। बट साथ में है ना, आज है ना फलाफल है, तो ये फलाफल कुछ ऐसा दिखता है, मैं पलटी कर रहा हूँ, उल्टा सीधा कुछ भी कमेंट मत करना। ये है ना वेजिटेरियन फलाफल, फुल डीप फ्राइड है, बट ये अरेबिक चीज़ है और ये मछली लोग को बहुत पसंद है, जो भी इजिप्शियन लोग हैं ना सबसे ज़्यादा यही खाते हैं। अपने को बोलेंगे पकौड़ा यार, बारिश के समय में मज़ा आ जाता था खाने के लिए। तो अभी मेरा ब्रेक हुआ है, मैं ब्रेक पे खाने आया हूँ, आज ब्रेक के लिए इतना चिक चिक हो गया ना, एक लड़का क्या किया पता है क्या, काम पे आया, आते मान तुरंत ब्रेक पे चला गया था भाई। इसके बाद में जो मैडम ली ना, उसको उसका मुंह छोटा हो गया, क्योंकि यार आप कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट पे जा रहे हो और समझ लीजिए कहीं पर भी काम कर रहे हो, जाते मान तुरंत ब्रेक पर मत जाओ, पहले देख लो क्या बैकअप करना है, क्या नई चीज़ें करनी है, पहले सारी चीज़ें देख लो, फिर उसके बाद में जाओ और मैनेजर को बोल के जाओ कि भाई मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, वरना फिर जो आतंक मचेगा कि पूछूंगा। अभी भूख लगे, खा लेता हूँ फिर बात करता हूँ। तो फिर जो दिखा रहा हूँ ना आपको, ये कुछ ऐसा है, एक रोटी में ना पूरा चिकन भर के दिया हुआ है, तो बस ऐसे लेना है। और हम भी तो गार्लिक में हो इन साइड, टेस्टी है। एक्चुअली बर्गर किंग का टेबल है ना, मेरे को लगता है कि कभी कभी ये है ना सारे स्टाफ लोगों का टेबल हो गया। यहाँ पे पूरा स्टाफ है, देख रहे हो, ये पूरा लाइन स्टाफ, यहाँ पे पूरा स्टाफ, वहाँ पे पूरा स्टाफ, ऐसा लगता है कि ये पूरा स्टाफ, फिर बाद में पूरा गार्बेज इतनी जल्दी भर जाता है कि पूछो मत, क्योंकि जो भी कचरा होता है तो बर्गर किंग की गार्बेज में जाता है। तो जैसा कि आज फ्राइडे है, आज एरिया कोच भी आ सकता है, कुछ बोल नहीं सकते,
7 बजे 8 बजे के आसपास मे भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, बट हाँ मज़ा आ रहा है। वो देखो इंडिया का कुर्ता पैजामा भाई साहब बेच रहे हैं, 10 दिनार का है भाई, 10 दिनार का। तो ये जो वीडियो दिख रही है ना, ये इसको सारे मैं बना सकता हूँ, और इसको कैसे शूट करना है ये भी मैं कर सकता हूँ। तो अभी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ ना, एडिटिंग को अपना एनहांस करना है। तो या आगे चल के ये सारी चीज़ें कैसे ठीक करते हैं, किस तरह से कट दिखाना है, तो ये सब आगे चलकर आपको मिलेगा भाई। अभी जस्ट लर्निंग फेज में हूँ मैं भाई। ब्रेक फिनिश, अब मॉर्निंग वाला स्टाफ जाएगा एंड अपन जाएंगे अंदर काम करने के लिए। चलो जाते हैं अंदर, यहाँ पे कस्टमर्स लोग खड़े हैं। तो देखो हाँ जी, ऑर्डर ले रहे क्या आपके साथ में? वाओ देखो कस्टमर्स लोग, क्योंकि महंगा महंगा डिज़ाइन। तो आप क्या आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कुछ चीज़ें बतानी नहीं होती है, मगर आप इतनी खुश हो जाते हो, इतने एक्साइटमेंट हो जाते हो और वो चीज़ें रिवील कर देते हो, फिर बाद में पता चलता है जो चीज़ आपको रिवील करनी है वो आपका काम पूरा हुआ ही नहीं? क्या ऐसा होता है? मेरे साथ में बहुत होता है। मैं एक्साइटमेंट में ना सब कुछ बता देता हूँ, फिर बाद में पता चलता है कि यार मेरे को ये करना है, वो काम कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा बहुत बार मेरे साथ में होता है। क्या आपके साथ में होता है क्या? प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना यार। बट कुछ चीज़ें हैं अभी मैं छुपा के रखा हूँ, मैं बाद में बताऊँगा आपको, डेफिनेटली बताऊँगा। बट हाँ, समझदार कोई सारा काफ़ी हो गया। एक्साइटमेंट है भाई, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले मालिक वही समझे। आहा क्या मजे का काउंटर। तो भाई फाइनली अपना टाइम ऐसे वक्त पे ख़त्म हुआ है ना, 1:01 पर। हालांकि सारे स्टाफ, मतलब देखो मसरी इतना फटाफट जा रहा है क्योंकि इसको बैठने नहीं मिलेगा। और देखो पिज़्ज़ा अच्छा लगा है, खाली मैं और सादिक और बर्गर किंग का मुझे बचा। और सादिक तेरा आज का एक्सपीरियंस बता, कल तो मुँह छोटा हो गया था। इतना सारा लोड दे दी तो एक्चुअली ये कल किचन का तो भाई कल थोड़ा सा इसकी ले ली गई थी। कोई नहीं, इसको अभी सीख रहा है, सीख जाएगा वे, क्या टेंशन ले रहा है। और एक चीज़ बताऊँ क्या भाई, इसका जो एक्सपीरियंस है अभी क्या ही बोलूँ मैं आपको। समझ लो अभी बर्गर किंग में नया है तो इसको बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि इतना हार्ड है कि पूछो मत। हालांकि बहुत सारी इजी है क्योंकि बहुत चीज़ गर्म होती है ना, गर्म चीज़ को कैसे पकड़ना है, कैसे हैंडल करना है, इसको नहीं पता है। बट धीरे धीरे बहुत गर्म होती है कसम, कल मेरे को क्या हो गया मुझे कुछ मालूम है। गर्म चीज़ देख आज क्या हो, आज मैडम ने भाई की ले ली रे भाई गंदा वाला। जैसा कि मैं आपको दोपहर में बता चुका हूँ, जब मैं लंच कर रहा था तब आपको मैंने बता रखा था कि यार अगर आप ब्रेक लेते हो तो ऑन टाइम पे आओ और जो स्टाफ मील होता है आपको वो स्टाफ मील पंच करो, वही चीज़ खाओ, वरना वेरिएंस आता है और एंड में जो प्रॉब्लम होता है फिर मुदीर को सुनना पड़ता है एरिया कोच से ऊपर, काई के लिए इतना वेरिएंस आ रहा है, क्यों शॉर्ट हो रहा है, क्यों एक्सेस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। आप आओगे ना यार एक एक चीज़ आपको पता चलेगी। कभी कभी वो क्या होता है, चिकन टेंडर कम हो जाता है, कभी कभी चिकन रोल कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, तो हाँ इन्वेंट्री फिर काउंट होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। इसी के बेस पर आपके आगे चलकर आपका स्टोर को पॉइंट्स मिलता है, आपका टारगेट जो बजट मिलता है इसी के चलते मिलता है। ओके, और तू क्या सीखा आज? आज तो बहुत कुछ सीखा मैंने। ध्यान कैसे गाली मत दे। कैसे मारते हैं, मतलब कैसे सिखाना होता है और जब ऐसे देना होता है, तो आज मैंने सीखा भाई। हाँ सही, आज बिजी टाइम पे मैं फ्रायर पे था ना, इसीलिए मेरे को लगा यार हाँ आज ये फ्रायर था जैसे ही 8 बजे आज केजांग को है ना 8 बजे तक रुका दिया गया था, और उसके बाद में जब केजांग घर पे गई ना तो इसको डाइनिंग से फ्रायर पे बुला लिया। भाई डाल डालते रहे, कुछ बोल मत, क्या डालना है क्या नहीं डालना है डालते रहे। और ये बंदा जो जा रहा है ना देखो ये सामने, ये भाई इसकी ठीक 34 डेज बचा हुआ है, इसके बाद में आपको मेरे ब्लॉग में ये अगर लड़का तो नहीं दिखने वाला है, बिकॉज इसकी नई नई शादी होने आ रही है ना, तो जब देखो तो फ़ोन पे चिपका रहता है, हाय आई लव यू। अभी नया नया चाहना है ना तो खेल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, बट कोई नहीं बाद में बोलेगा ए भाई अपना लाइफ में बिजी हो जाएगा धीरे धीरे। बट हाँ फैमिली टाइम इंपॉर्टेंट होता है और वो भी देना ज़रूरी है। चलो बस आ गई, अब चलते हैं यार। बस देखो ना इन मौके पर आ गए यार शिट, और हम लोग यहाँ पे एप्पल बीस नहीं है यार। देखो सीट बैठने मिलता है कि नहीं, और यहाँ पे ऑलरेडी लाइन लगी हुई है देखो। तो ये रहा पेपर, ये तो कंपनी का है, और जो भी हमारे इधर पे प्रोडक्ट आता है ना, चिकन हो गया, बीफ हो गया,
और टेंडर्स हो गया, जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं वो कौन कहाँ से आता है वो सारा पेपर है इसके अंदर लिखा हुआ है। बट ये कौन से कंट्री से आता है बट ये मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज इस कॉन्फिडेंस ने ये, तो मेरे को ये देने का है मुदीर को, तो जान दो। कभी मेरे को एक मैनेजर ने दिया, बोला कि अपने मुदीर को दे देना, तो ये आपको दिखा नहीं सकता है क्योंकि अंडर जान दो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, कौन सा प्रोडक्ट कौन से कंट्री से, अलग अलग चीज़ें आता है ना। खाली कनाडा का बता देता हूँ, एप्पल पाई आता है, एप्पल पाई कनाडा से बन के आता है, तो ऐसे ही अलग अलग कंट्री से आता है। छोड़ो, जब लोग आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा सारी जगह पर होता है। और एक और चीज़ बताऊँ, जस्ट अभी आया हूँ और आने के बाद में ना जो पैर में सब दर्द हो रहा है ना सुबह से खड़ा है भाई, पूछो जूता भी नहीं निकालो, देख रहे हो वैसे ही वैसे आके बैठा हूँ। अब निकाल देता हूँ, अब तो मेरे पाप का घर है। तो फिलहाल अब जा रहा नहाने के लिए, हालांकि मैं कुछ बनाने के हालत में नहीं हूँ, ना ही मेरे को कुछ बनाना है। मेरे पास में वो सोयाबीन का छोटा भाई है, सोयाबीन का छोटा भाई नहीं और राजमा का छोटा भाई है, उसको जा रहा हूँ भिगो दूंगा, तो कल दोपहर में बनाऊंगा। ये सीन है। एंड अभी तो मेरे को खाली बटर मिल्क नहीं, वो मेरा मिल्क शेक पीना है बस, और कुछ नहीं पीना। मैंने केला लेके ही नहीं आया, इसकी वजह से मैं उसको वो ही नहीं कर सकता यार। आज का दिन क्या बिजी था यार, वाट लग गई। मगर कैशियर को कितना ध्यान से काम करना पड़ता है भाई, जो कैशियर होता है ना बहुत प्रेशर होता है, आगे कस्टमर बुलाता रहता है, एक्सक्यूज मी ये चाहिए वो चाहिए, फिर उसके बाद में कैश लेना, फिर उसके बाद में बराबर ऑर्डर पंच करना, अगर एक भी मिसिंग होता है या फिर कुछ ऐसा शॉर्ट बीट आता है तो जेब से भरना पड़ता है, तो ये अलग सीन भी है भाई यहाँ पर। सो ओके एंड चलो, मतलब तो मैं बताने वाला हूँ ना कि मेरा जब पहली बार आया था क्या एक्सपीरियंस था। पहले फटाफट से नहा लेता हूँ, फिर आप उन शेक पीते पीते बात करेंगे। ओके अभी क्योंकि बॉडी पूरा स्मेल कर रहा है, तब तक ये कपड़े को निकाल के मेरे को डालना है वॉशिंग मशीन में, एंड तभी थोड़ा राहत मिलेगी, कसम से बता रहा हूँ। और आँखों में नींद भी आ रही है, बट नींद को रखेंगे साइड में, पहले अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए वो बात, वो एक्सपीरियंस, आहा मजा ही आ जाएगा। ओके इसी के साथ भाई अपना ये देखो शेक बन के एकदम मस्त रेडी हो गया है। आई नो कि थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है आपको मेरी वजह से। और ये देखो खाने के लिए मैंने मस्त देसी चूड़ा ला रखा था और एक महीने से पड़ा हुआ था, अभी तक मैंने इसको पैकेट खोले ही नहीं था, तो अब मेरे को हल्का फुल्का भूख लग रही है। अब मेरे किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए मैंने अपना ये बनाया और ये थोड़ा सा पहले चखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए, मैं हमेशा प्रिफेयर नहीं करता हूँ, बट इमरजेंसी में गधे को ही पापा बनाना पड़ता है। चलो पहले अभी फटाक से पी जाएं, मतलब बात करते हैं। पीनट बटर डाला है ना भाई, बिकॉज ऑफ पीनट बटर लाजवाब। साथ में क्या सीन था पता है क्या, जब मैं बात करने वाला हूँ, जब मेरा यहाँ पे कुवैत में पहली बार कदम रखा था, और सही बताऊँ क्या एक्सपीरियंस था। पहली बात तो जब मैं जैसे ही कदम रखा ना, मेरे साथ में चार लोग और थे, एक ही जगह से हम लोग आए थे, वीरा इंटरनेशनल से। एक्चुअली मैं आने वाला था 26 तारीख को, बट मेरे को ना फीवर हो गया था, और जिसकी वजह से वो लोग बोल रहे थे कि पॉजिटिव है, शायद इसकी पॉजिटिव के चक्कर में मेरा एक हफ्ता लेट हो गया, क्योंकि मेरे को फीवर हो गया था, वो लोग नाक में डाल के चेक किए, मैं पॉजिटिव आ गया था, तो भाई मेरे को फ्लाई करने के लिए मुश्किल कर रहा था, तो मेरे को एक हफ्ता और रोकना पड़ा, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आया। कुवैत में कदम रखा ना भाई, पहले तो हमको है ना एक लेडी निकालने के लिए आई, मतलब एयरपोर्ट से बाहर तक छोड़ने के लिए एक लेडी आई, पूछने ले लगी कुछ, तो क्या तो नाम बोला था, मगर हमारे में से चारों में से एक जन को रजिस्ट्रेशन करके एक बंदा था उसको हेड बनाया था, कि इसको बंदे का पूरा उसका व्हाट्सअप नंबर वो सब, और जो लेडीज थी मतलब कुवैत की थी, वो आला सर्विस वाले बोलते हैं, पता नहीं कौन सी सर्विस वाले बोलते हैं, तो वो पूरा हैंडल कर रही थी, तो उसको कांटेक्ट कर रही थी, वेयर आर यू, हाउ मच टेक टाइम, व्हेन यू कम आउट, वी आर वेटिंग फॉर हियर ऑन द कॉर्नर राइट डोर नियर बाय बर्गर किंग, ऐसा ऐसा सब जो भी था कोऑर्डिनेशन उसके साथ में हो रहा था। तो भैया जैसे ही पहुंचे, मैं तो देख रहा था, मेरे को लगा था कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट होगा, इतना बड़ा होगा कि आँख फटी की फटी रह जाएगी और बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी, मतलब कैसा सीन था, जैसे निकला नहीं कि खत्म हो गया, ऐसा एयरपोर्ट था, मतलब ज्यादा उतना खास बड़ा नहीं है। अब भी जो बन रहा है यहाँ पे नया वाला वो बहुत बड़ा बन रहा है, मतलब उसके अंदर शॉपिंग वीपिंग के लिए बहुत सारी प्री सिक्योरिटी जो बोलते हैं ना, प्री सिक्योरिटी शॉपिंग वाला बहुत सारा है वहां पर बन रहा है, और जो ये वाला तो ऐसे घुसा नहीं कि खत्म हो गया था एयरपोर्ट,
अगर मैं वापस से वेकेशन पे जाऊंगा तो आपको डेफिनेटली वाला चीज जरूर दिखाऊंगा, बट वहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक्सचेंज वगैरह, फिर इसके बाद में चॉकलेट्स वगैरह की दुकान, फिर इमिग्रेशन, और फिर जब मैं रखा ना, हमको है ना हमारे एचआर जो ये अकोमोडेशन में पूरा एचआर में मतलब जो ये अकोमोडेशन को पूरा संभालता है ना एक बंदे के नाम पर है, तो सर सईद करके नाम है, वो पूरा एचआर का पूरा देखता है, मतलब अकोमोडेशन का एचआर है वो, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी कंसर्न होता है तो हमको उसका मैसेज और मेल करना पड़ता है। तो आया भाई 75 KD लेके आया, 75 KD में से 70 KD हम लोग को ऑन द स्पॉट दे दिया और 5 KD का वहीं से एयरपोर्ट सिम कार्ड दिला दिया। अब उसने बताया नहीं कि कैसे एक्टिवेट करना है, और पहली बार था तो हमको पता भी नहीं था कि कैसे करना है, हमने ना 1, 2, 3, 11 पता नहीं कौन सा तो नंबर बताया, चालू कर दिया और सिम कार्ड 100 GB मिलने के बदले हम लोग को मिला 3 GB और 5 GB। भाई साहब जो पोपट हुआ ना हमारा पूछो मत। फिर मैंने वो सिम कार्ड 1 महीना यूज किया, उसके बाद में फेंक दिया, फिर सिविल आईडी कार्ड से और अपने पासपोर्ट से, तब हमारा जल्दी में सिविल आईडी कार्ड नहीं बना था तो अपने पासपोर्ट से मैंने सिम कार्ड लिया, फिर भाई उसमें जाके 100 GB 200 GB ऐसा मिलने लगा, फिर वो भी 2-4 महीना यूज किया, फिर उसको भी फेंक दिया, फिर नया सिम कार्ड लिया, फिर उसमें 500 GB मिलने लगा। तो जब से वही वाला सिम कार्ड अभी तक यूज कर रहा हूँ भाई, 500 GB मिलता है, आराम से पूरा मेरा महीना चल जाता है। आजकल तो ऐसा ऑफर आ रखा है, आप 9 KD खर्चा करो, पहले 5 KD खर्चा करना पड़ता था, अब 9 KD खर्चा करो 120 दिन के लिए 1000 GB। तो भैया 1000 GB मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, और हर रोज मेरी 10 GB की वीडियो अपलोड होती है, 10 GB समझ रहे हो, हर रोज मैं जो भी वीडियो एडिट करके डालता हूँ ना 10 GB का वीडियो रहता है मेरा, तो इसकी वजह से मेरा 1000 GB आराम से 2 महीना पूरा चलता है, फिर उसके बाद में वापस से मेरे को रिचार्ज कराना पड़ता है। और जो लोग खाली व्हाट्सअप यूट्यूब और मूवी वगैरह देखता है उनका तो खाली है ना 3 महीना आराम से चलता है, मेरे को क्या है भाई अपलोड भी करना है, घर पे भी बात करना है, मतलब पूरा इंटरनेट के सिवा यहाँ पे रहना तो होएगा ही नहीं। मगर जो फीलिंग थी ना, सोचा था भाई ऐसा होगा वैसा होगा, ये लड़की वो लड़के, और मतलब एकदम चकाचौंध वाली जिंदगी होगी, फिर आके पता चलता है भाई यहाँ पे कानून और सख्त तो है कि आप ज्यादा किसी को उंगली नहीं कर सकते, लड़की बाजी ज्यादा नहीं कर सकते, उड़की चक्कर में नहीं पड़ सकते, इसके बाद में आप दारू शराब के चक्कर में नहीं पड़ सकते, यहाँ पे शराब अलाउड ही नहीं है, तो ये सारा चीज पता चलने लगा। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर हाफ ऐसा जो चड्डा पहना है हाफ ज्यादा चड्डा पहन के भी बाहर नहीं निकल सकते। जब यहाँ का जो कुवैत का एक था ना मतलब किंग, जब वो उसका देहांत हुआ था तो वैसा हाफ चड्डे में किसको भी अलाउड नहीं किया था, पुलिस बहुत ज्यादा चेकिंग वेकिंग करती थी। और हम लोग को है ना जो हमारा मतलब रूम में था ना एक बंदा, रूम में नहीं जो हमारा मतलब रूम को ही देखता था, उसको खदामा क्या हमने तो खदामा नहीं बोलूंगा, सिक्योरिटी गार्ड बोलूंगा, काइंड ऑफ हाँ सुपरवाइजर थिंग बोलूंगा मैं, वो है ना हम लोग को बोलता था विदाउट पासपोर्ट के बाहर नहीं निकलने का, विदाउट जब तक सिविल आईडी नहीं आएगा तब तक आप बाहर नहीं निकलने का, नहीं तो आप लोग को बहुत मुश्किल है, पुलिस पकड़ेगा तो कोई छुड़ाने के लिए नहीं आएगा, सारा रिस्पॉन्सिबल तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। और स्टार्टिंग में ना हम लोग को इतना डर लगता था, हम लोग नियर खाली सामने बकाला शॉप पे भी जाना रहेगा ना हम लोग को, तो पासपोर्ट का कॉपी लेके चलते थे, भाई कोई आ गया पकड़ने लगा कोई पूछने लगा तो हम लोग को कॉपी दिखाने का, बहुत डर लगने लगता था। हम लोग है ना टमाटो वमाटो भी अगर हम लोग किसी शॉप से खरीदना पड़ेगा ना तो हम लोग जाते ही नहीं थे, अगर जाएंगे भी ना सब लोग एक साथ झुंड बना के जाते थे, थोड़ा इतना स्केयर लगता था। और कभी बीच पे जाने के लिए बारे में सोचे भी नहीं, तो जिस दिन हम लोग का मतलब मेडिकल का आने के बाद में मेडिकल होता है ना यहाँ पे, वैसे ही आप सीधा जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते, आने के बाद में पहले आपका मेडिकल होगा, आपका मेडिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया फिर आपको सिविल आईडी कार्ड हेल्थ कार्ड मिलता है, वो हेल्थ कार्ड के बाद ही आप किसी भी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। जैसे वो मिला तब भाई साहब छुट्टा हो गया, फिर भैया हम भी जाने लगे सालमिया, फिर कभी उधर कभी मुबारकिया, तो फिर एक बार अननोन सब्सक्राइबर भी आया था मेरे को मुबारकिया स्ट्रीट लेके गया था, तो फिर भाई मैं वहाँ पे जाके मजा किया, मुझे पता भी नहीं था कि क्या शूट करना है कैसे शूट करना है, जो जो मेरे को दिखता आया भाई 35-40 मिनट की वीडियो बना रखी थी मैंने, फिर बाद में धीरे धीरे अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि भाई इतनी ज्यादा वीडियो सब कुछ नहीं दिखाना होता है, खाली कुछ चीजें दिखानी होती है जो दिखने में अच्छी है, अगर आप सब कुछ दिखाओगे तो अपने आप ब्लॉग में कचरा भर दोगे, तो ये धीरे धीरे मेरे को सीखने मिला। फिर इसके बाद में दोस्त यार बनने लगे, कुछ नेपाली दोस्त बनने लगे,
कुछ भूटानी गर्ल्स, फिर कुछ नेपाली गर्ल्स, ऐसे ऐसे दोस्त यार बनने लगे फिर मेरे। फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होती गई, बहुत अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में। जो भाई जो ओवर टाइम मिल रहा था ना भाई, पूछो मत। मैंने कभी भी लास्ट वन ईयर में 220, 230, 225, 227, 235 ऐसा केडी स्टार्टिंग में उठाया है। अब ऐसी नौबत आ गई है कि 140 केडी के सिवा ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अब पहले ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता था, अब कंपनी वो भी कट कर दी है। ओवर टाइम भी अच्छा खासा मिलता था, जब से पैलेस्टीन का वॉर हुआ था ना, उसकी वजह से पूरा धंधा एकदम ठंडा हो गया था। उसके चक्कर में फिर समझ लो पूरा जीरो ओवर टाइम कर दिया था। खाली जो आपका एग्रीमेंट पे लिखा था 140, वही 140 आ रहा था, और वही जाने का 9 घंटा काम करके वापस आ जाने का। अब धीरे धीरे ओवर टाइम स्टार्ट किया है, तो हालांकि महीने में 6 घंटे, महीने में 4 घंटे ऐसे ओवर टाइम मिल जाते हैं, बट कोई बात नहीं, जितना भी मिल रहा है उतने में खुश रहो यार। जब मैं इंडिया से निकल के यहाँ पे आ रहा था ना, खाली ये पता था कि भाई मेरे को 140 केडी मिलेगा, मैं इसको इंटू 270 और 250, जब मैं आया 250 का रेट, मैं इसको इंटू 250 कर देता था, बोलता था हाँ भाई इतना रेट मिलेगा, इतना पैसा आएगा, इतने पैसे से मेरा ये घर का काम हो जाएगा, मेरे बच्चे का फीस भर जाएगा, मेरे मम्मी का दवा आ जाएगा। तो ये सारा पूरा कैलकुलेटर था। यहाँ पे आने के बाद में जब 220 केडी, 230 केडी मिलने लगा ना भाई, जिंदगी लग रहा था कि भाई सफल है, अब तो बहुत पैसा छाप रहा हूँ। फिर धीरे धीरे सिचुएशन खराब होती गई, वही आ गया जो स्टार्टिंग में सपने देखे थे, वही मतलब जो स्टार्टिंग में सोच के आया था वही हाथ में आ रहा है। और आप भी यही सोच के आना कि जो स्टार्टिंग में मिल रहा है, जो ऑफर लेटर पे मिला है वो मिलेगा तो बहुत बड़ी बात है, अगर उससे ज्यादा मिल जाएगा तो 4 चांद लग गए तुम्हारे सैलरी में। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, किसी से ना झगड़ा ना लड़ाई, और कुछ है गांडू दोस्त लोग मस्ती करते, वो उसको उंगली करेगा, मैं उसको उंगली करेगा, तो ऐसा था स्टार्टिंग में। बट अभी सब लोग, कोई गोवा चला गया, कोई इंडिया चला गया, कोई दूसरे कंट्री चला गया, और भाई यहाँ पे आने के बाद में सबके पर खुलने लग गए भाई। यहाँ से यहाँ पर एक बार आ जाओगे ना, आपको है ना अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाती है भाई। यहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं, कनाडा, पोलैंड, यूरोप, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग प्लान बनाने लगे हैं भाई। आगे आपको और चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अभी फिलहाल तो मेरा जो पहला वाला एक्सपीरियंस है ना, फ्लाइट में बैग रखना, फ्लाइट की विंडो वालों की सीट पे बैठना, फिर उसके बाद में अननोन पर्सन से बात करना, फिर उतर के आना, फिर इमिग्रेशन में जाना, मैं तो इमिग्रेशन का भी वीडियो शूट कर लिया था। फिर एक चाय वाला मेरे ऐसे घूम रहा था, उधर स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ था, बोलता भाई इमिग्रेशन का वीडियो मत निकाल, नहीं तो बाद में तेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ये वो। तो मेरे को पता नहीं था कि इमिग्रेशन पे वीडियो निकालना नॉट अलाउड, मतलब अलाउड नहीं है। तो फिर भाई फिर मैंने वो वीडियो को डाला ही नहीं, ना फिर निकाला बस। तो धीरे धीरे मैं सीख रहा था, अभी सीखने का मौका मिल रहा है तो सीखेंगे ना, कौन सी चीज़ें निकालनी है, कौन सी चीज़ें नहीं निकालनी है, कौन सी चीज़ें बतानी है, कौन सी चीज़ें नहीं बतानी है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और बट यहाँ में आने के बाद में क्या एक्सपीरियंस था भाई, पूछो मत, बहुत मज़ा आ रहा है। तो जब हम लोग उस बिल्डिंग में गए थे ना, अबू अलीफा वाले में, कोई भी नहीं था, वी आर द फर्स्ट एम्प्लॉय देयर, कि पूरी बिल्डिंग में खाली हम लोग पहले थे। फिर धीरे धीरे था ऐसा आया, केन्या से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, भाई साहब इंडिया से पूरा अकोमोडेशन ही फुल हो गया, कसम से बता रहा हूँ। हालांकि चलो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिलहाल अपने इस ब्लॉग को करते हैं खत्म, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया। मेरा जो था एक्सपीरियंस मैं आपके साथ भी शेयर किया हूँ। अभी मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। देखो इधर पे रख दिया और मैं भूल गया इसको पीने के लिए, अभी इसको पीऊँगा, खत्म करूँगा। अगर आपको कुछ भी मजा आया होगा आज के इस ब्लॉग में, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं तब तक के लिए अगले ब्लॉग में। आगे बहुत अच्छी अच्छी जर्नी होने वाली है और बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, बहुत कुछ बताऊँगा। ओके चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।